हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, सब लोग आपके घर परिवार में अच्छे से होंगे। आज मैं आपको बताती हूँ कि हाउ आई स्पेंट माय सैटरडे। सो मेरा सैटरडे, सारे सैटरडेज ऑफ रहते हैं एंड ये मेरी जॉब का बेस्ट पार्ट है। बाकी सारे दिन तो बहुत ज़्यादा काम रहता है, बट सैटरडे संडे मुझे थोड़ा टाइम मिल जाता है मेरे लिए, तो आई शूट माई वीडियोस। बट आज का दिन थोड़ा सा अलग था, थोड़ा सा स्पेशल था, बिकॉज हमारे नेबर आंटी अंकल हैं, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। उनके घर में पूजा थी, जो प्रॉपर हवन एक तरह से था, सब सुख समृद्धि के लिए। सो जनरली मुझे ऐसा लगता था कि मुंबई में नेबर्स एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, या मैंने ऐसे सुना था कि ज़्यादा टर्म्स नहीं रहते हैं, बट इट इज़ टोटली ऑपोजिट फॉर मी। लाइक आई विल से इट्स 50% करेक्ट, बिकॉज जितनी जगह मैं रही हूँ ज़्यादातर नेबर्स से मेरी बातचीत नहीं हुई है, ना ही मैं उनके घर में विजिट की हूँ कभी। बट यहाँ पर जो हमारे पड़ोस में अंकल आंटी हैं, दे आर वेरी गुड एंड बहुत अच्छा उनका नेचर है। वो जब भी हमें कहीं बाहर मिल जाते हैं, हाय हेलो बातचीत हमारी हो जाती है, वो हालचाल ले लेते हैं। एंड सिमिलरली मेरे साइड से भी है, तो मैं भी जब अंकल आंटी से मिलती हूँ तो उनसे बातचीत कर लेती हूँ। बट मेरे साइड में दूसरे नेबर भी हैं जिनसे मेरी अभी तक बात नहीं हुई है। सो अगर कुछ लोग मुझसे खुलना मिलना चाहते हैं तो मैं सेम ही रिस्पॉन्ड करती हूँ। सो यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है, थोड़ी घर वाली फीलिंग आ जाती है अंकल आंटी के पास जाकर, और उन्होंने हमें इनवाइट किया, हमको बहुत अच्छा लगा। तो पूजा में कम से कम 1.5-2 घंटा हम लोग बैठे थे, उसके बाद हमारा लंच था। प्रॉपर साउथ इंडियन मील हमको बड़े से केले के पत्ते पे मिली, आई डोंट नो 20+ आइटम्स उसमें होंगे, और सारा खाना बहुत ही अमेजिंग था। मैंने आज तक केले के पत्ते पे बनाना लीफ पर बैठकर कभी खाना नहीं खाया। उन्होंने लंच के बाद हमको पान भी दिया। सो ये पान मैंने अभी तक खोला नहीं है, बिकॉज मैंने पान बचपन में कभी ट्राई करने के लिए खाया था, लेकिन अभी मैं इसको खाने वाली हूँ वीडियो शूट करने के बाद। सो बहुत अच्छा लगा। फिर आंटी ने मेरे को पूजा शुरू होने से पहले गजरा भी दिया था, छोटा सा, जो मैंने बालों में लगाया था। मुंबई में मैंने ऐसी गैदरिंग अभी तक अटेंड नहीं की थी, तो काफ़ी सारे नोन लोग वहाँ पे मिले। सो वहाँ जाके हवन अटेंड करने के बाद बहुत ही डिवाइन सा एनवायरनमेंट हो गया था। हम लोग 8th फ्लोर पे हैं और ग्राउंड फ्लोर तक हवन का धुआं जा रहा था। सो वहाँ से भी हम लोग को पता चला कि नीचे तक सब जगह सुख शांति हो जाएगी। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।